सोशल मीडिया पर आजकल टिकटॉक वीडियो छाए रहते हैं। आपको हर दूसरी पोस्ट के बाद यह जरूर नजर आता है। लेकिन टिकटॉक ऐप पर वीडियो बनाना लोगों को भारी भी पड़ सकता है। जी हाँ, दरअसल इस सोशल मीडिया ऐप पर घृणास्पद और आपत्तिजनक वीडियो डालने के कारण मुंबई के कुछ युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। टिकटॉक अकाउंट से हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया गया था। इस वीडियो में झारखंड में मॉब लिंचिंग का शिकार हुए तबरेज अंसारी की मौत को मुद्दा बनाते हुए घृणास्पद वीडियो डाला गया था। आपको बताते चले कि इन लोगों ने तबरेज अंसारी की मौत के मामले पर वीडियो में कहा था कि मार तो दिया तुमने उस बेकसूर तबरेज अंसारी को, लेकिन कल जब उसकी औलाद बदला ले तो ये मत कहना कि मुसलमान आतंकवादी है। वीडियो टिकटॉक पर आते ही जमकर वायरल हो गया। वहीं बहुत से लोगों ने इसकी शिकायत ट्विटर के साथ मुंबई सीपी से और मुंबई पुलिस से की। वहीं इस मामले में 8 जुलाई को रमेश सोलंकी नाम के एक शख्स ने एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इन सभी लोगों के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 153A और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में टिकटॉक इंडिया ने भी साफ कर दिया है कि ये वीडियोज टिकटॉक कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है और उसके सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिए गए हैं। आपको बता दें कि इन लोगों में फैजल शेख सबसे ज्यादा मशहूर है। इसका टिकटॉक पर मिस्टर फैजू 7 नाम से अकाउंट है और इसके करीब 24 मिलियन से भी ज्यादा फैन हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में हसनैन खां हैं, जिसके करीब 12.5 मिलियन फैन हैं। आदतन शेख, फैजल बलूच और सधान फारूकी भी इस ग्रुप में शामिल हैं। टिकटॉक पर फैजू द्वारा डाले गए आपत्तिजनक वीडियो के बाद बॉलीवुड भी सोशल मीडिया स्टार से काफी नाराज है। एफटीआई के एक्स चेयरमैन रह चुके गजेंद्र चौहान का मानना है कि ऐसे लोगों की प्रोफाइल तुरंत डिलीट कर देनी चाहिए। सरकार को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर यूथ में भ्रमित मैसेज फैलाया जा रहा है, इन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाकी लोगों तक यह संदेश जाए, ताकि भविष्य में कोई भी किसी भी धर्म, समाज, समुदाय का इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट बनाने से बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज प्लस 24।